हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, वीडियो चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो साइड में सब्सक्राइब कर लिखा होता है उसको दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में जो घंटा बना होता है साइड में उसको दबाएँ, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएँ और चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि 90% पोल्ट्री फार्मरों ने जिनका उपयोग किया है, जो सक्सेस पोल्ट्री फार्मरों की टिप्स हैं। और यदि आपने वो नहीं किया तो आप उन बर्बाद पोल्ट्री फार्मरों में आपकी गिनती हो सकती है जो कि अपना पोल्ट्री फार्म खोल के बंद कर चुके हैं या बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं या आप खोल चुके हैं या आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, तो सबसे पहली टिप्स तो ये दूंगा आपको सलाह में कि आप अपना खुद का फीड बनाए, खुद का दाना बनाए। जितने भी 90% पोल्ट्री फार्म सक्सेस पोल्ट्री फार्मर हैं, वही फार्मर सक्सेस हुए जिनने अपने खुद का फीड बनाया। नंबर एक बात। नंबर दो बात दोस्तों ये है कि यदि आप जब भी आप चिक्स डालें, आपका बच्चा चूजा जब फार्म पे आए, तो आप 3 से 4 दिन तक आप फार्म पे ही नाइट रुकें और पूरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा समय फार्म पर दें। और नंबर तीसरी बात ये है दोस्तों कि आप अपने पोल्ट्री फार्म में नीचे जो लीटर, मैंने बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर को देखा है लीटर में कंजूसी करते हैं, जो ये भूसा बुरादा बिछा हुआ है, ये आप पूरा कम से कम इसको 4 इंच तक आप बिछाएं, बिछावन में बिल्कुल कमी ना रखें। ये भी एक सक्सेस पोल्ट्री फार्मरों की निशानी है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि आप इसमें नीचे गीला ना होने दें, क्योंकि 90% जो बीमारियाँ गीले के कारण आती है। अगर आपके शेड में आपको लग रहा है कि गीला हो रहा है तो आप उसको पूरा लगाइए, और या फिर वहाँ का ज़्यादा गीला होगा तो वहाँ का लीटर या बुरादा भूसी जो भी है उठा के अलग डाल दीजिए और सूखा वहाँ पे डाल दीजिए। अगला दोस्तों ये है कि पर्दों का विशेष ध्यान रखें। पर्दे वो ज़्यादा ज़रूरी हो, ज़्यादा बारिश हो तभी पर्दे को आप को बंद करना है, और बंद करने के बाद में तुरंत उठाना है। छोटा चिक्स जब रहे तब 2-3 दिन तक आपको पर्दे पैक करके रखना है, उसको खोलना नहीं है अगर सर्दी का मौसम है तो। और यदि गर्मी और टेम्परेचर नॉर्मल है, बारिश है, तो आपको पर्दे ज़्यादा से ज़्यादा खुले रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि जब चूजा आपका आता है उसको ब्रीडिंग के आपके पास पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि बच्चा 8 से 10 दिन तक जब छोटा रहता है तब अगर उसको बराबर हीटिंग की हमने सुविधा दी है, बराबर टेम्परेचर दिया है, तो उसकी शुरू से जो ग्रोथ होगी, शुरू से अगर आपका चूजा बढ़िया रहेगा तो वो आखिरी तक बढ़िया चलेगा, वो बीमारियों से टक्कर ले सकेगा। तो दोस्तों, ये कुछ आसान टिप्सें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और जो 90% पोल्ट्री फार्मर जो सक्सेस हुए हैं उन लोगों से जो हमने अनुभव जाने हैं, जो बताए वो आपके पास आज हमने शेयर किए हैं। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं और अन्य दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।